ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है समझते हैं, देखो ये सेटअप समझते हैं। ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एक तरफ आप सॉल्यूशन ले लो 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, कोई भी और हो सकता है, कोई भी सॉल्यूशन है बस, एक तरफ ले लो प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट। अब मुझे बताइए ऑस्मोसिस की वजह से वाटर जो है वो कहाँ मूव करेगा, ए टू बी या बी टू ए? बी टू ए मूव करेगा ना, ड्यू टू ऑस्मोसिस बी टू ए मूव करेगा। अगर मुझे बी टू ए की मूवमेंट जीरो करनी है, जीरो नहीं होगी, नेट मूवमेंट जीरो हो सकती है, नेट मूवमेंट आपको बी टू ए जीरो करनी है, तो क्या करो, यहां प्रेशर अप्लाई कर लो। अगर आप यहां प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए टू बी और ज्यादा मूव करने लगेगा वाटर, इतना प्रेशर अप्लाई कर दो कि जितना वाटर इधर जा रहा है उतना ही इधर जाने लगे, नेट मूवमेंट जीरो हो जाए। जितना प्रेशर आपको लगाना पड़े उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, सो दैट नेट मूवमेंट जीरो हो जाए। और वो प्रेशर आप कहाँ लगाओगे, सॉल्यूशन साइड में, सॉल्वेंट साइड में मतलब लगा देना, ठीक है ना बात। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फॉर्म, इसको डिनोट किया जाता है पाई से, CRT, पाई इज इक्वल टू CRT, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। सी है मोलैरिटी, सॉल्यूशन की मोलैरिटी, आर है गैस कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है बात, सिंपल है। पाई इज इक्वल टू CRT, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो इस फॉर्मूला से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा, जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होता है, ठीक है बात। एक क्वेश्चन देखते हैं, एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन सब्सटेंस इज, बताओ ए बी सी डी में क्या है। अगर आपके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है और एक डायल्यूट सोल्यूशन है, टेम्परेचर सेम है, दोनों में से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड का या डाइल्यूट का? कॉन्सेंट्रेटेड का ज्यादा होगा ना, तो हायर आएगा ना, हायर आएगा ना, वन आएगा हायर, ठीक है ना, हायर इज कॉन्सेंट्रेशन मोर इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वन।